बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हसन खान वर्दक और आप सब देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान के पॉडकास्ट सीरीज़ की एपिसोड 2। आज मेरे साथ मौजूद हैं शाजिल जावेद जो कि एचआर प्रोफेशनल हैं। हम उनसे डिस्कस करेंगे कि जो नई नस्ल है, जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, इसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जॉब हंट कैसे करें। इसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से सर्टिफिकेशन दौरान जब स्टडीज़ कर रहे होते हैं उस दौरान कौन कौन सी सर्टिफिकेशन भी करनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को, ताकि जो इम्पैक्ट है उनकी सीवी पे बढ़ सके और इजीली वो लोग एनरोल हो सकें। ऑब्वियसली सीवी का जो बनाना होता है पर्पस, वो एक इम्पैक्ट देना होता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है अपने एम्प्लॉयर के आगे, और ताकि उसके बाद वो आपको जॉब कॉल करते हैं और इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। इस तमाम तरह चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया आपको, शाजिल जावेद मौजूद हैं। आइए अपने इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। शाजिल, सबसे पहले तो एक पहला क्वेश्चन जो हम लोग पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले अपने जो गेस्ट होता है उससे पूछते हैं कि उनका इंट्रोडक्शन होता है ब्रीफली। आप काइंडली बताइएगा कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की, उसके साथ साथ उसमें मैट्रिक, FSC और उसके बाद साथ यूनिवर्सिटीज़ किस किस यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम इनरोल हुए, ताकि थोड़ा सा हमारे जो ऑडियंस है उसको पता लग सके। सो माय नेम इज़ शाजिल, एज़ एस एन हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट माय क्वालिफिकेशन, देन आई एम MPhil लेवल MBA विद अ सिल्वर मेडलिस्ट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माय प्रोफेशनल, तो आई एम अ एक्सपीरियंस HR प्रोफेशनल, एंड अदर देन दैट आई एम समवन यू कैन टॉक अबाउट दिस थिंग। दैट्स वेरी ग्रेट शाजिल। सबसे पहला सवाल जो होगा इस पॉडकास्ट का वही होगा कि एक जो फ्रेश हायर होता है, फ्रेश ग्रेजुएट होता है स्टूडेंट, या जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल होता है, वो अपने आप को कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, क्योंकि जो CV होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो किस तरह से अपनी CV बनाए अपने, ताकि उसको ऑब्वियसली इंटरव्यू के लिए कॉल आ सके, और हायरिंग प्रोसेस तो ऑब्वियसली वो लेटर ऑन होता है, उसको पहला फेज़ होता है इंटरव्यू कॉल आना, तो उसके लिए ज़रूरी है उसकी CV का इम्पैक्ट अच्छा हो। और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि जो हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी ना कंफ्यूज होते हैं कि CV और रेज्यूमे में फ़र्क क्या होता है, वो भी काइंडली बताइएगा। ओके, अगर आप रेज्यूमे और CV के अंदर फ़र्क जानना चाहते हैं, तो इन लिटर वर्डिंग अगर आप बात करें तो रेज्यूमे जो है वो आपकी समराइज इंट्रोडक्शन है, और CV जो है वो आपका इन डिटेल्ड इंट्रोडक्शन है। ठीक हो गया। अब रेज्यूमे मोस्टली रेफर होती है आपके फ्रेशर्स के साथ। ठीक हो गया। फ्रेशर्स की जो आप इंट्रोडक्शन होता है ऑन पेपर, वो आप एक समराइज में देते हैं, जिसके अंदर आ जाता है उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी अगर कोई इंटर्नशिप स्कीम है तो वो क्या है, और फिर उसके अलावा आ जाता है कोई स्किल्स उनके अंदर हों या अचीवमेंट्स हों। ठीक हो गया। और जो CV में जो होता है डिटेल्ड होता है, इसके साथ साथ शाजिल एक कुछ सिस्टम्स होते हैं ऑब्वियसली, जिसमें ना मैंने सुना था अपने जब मैं पढ़ रहा था, उसको कहते हैं ATS सिस्टम होता है, कि वहाँ पे कुछ आपने कीवर्ड्स ऐसे लिखने होते हैं अपनी CV के अंदर, ताकि वो इजीली ना आपके जो प्रोसीजर है जो कि ATS सिस्टम का, वो ईजिली पास हो जाए, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे बताइएगा ऑडियंस को। और इसके साथ साथ वो जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में गाइड कीजिएगा कि कैसे कीवर्ड्स को इंक्लूड किया जाए समरी में, और वो जो है ताकि उनका जो इंटरव्यू कॉल के लिए जो है वो इजीली उनको बुलाया जाए। ओके हसन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि आपने अभी अभी एक बात कही थी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह से अपने जॉब हंट की तरफ को जाएं। बिल्कुल। तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल इट इज़ बिन अ लॉन्ग टाइम कि आपकी CV ड्रॉप जो होती थी, पहले लोग क्या करते थे, ऑर्गेनाइजेशंस तक CVs को ड्रॉप किया करते थे, फिर उसके बाद ईमेल्स आने लग गई, ईमेल्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जो टाइम चल रहा है उसके अंदर आप यूज़ करते हैं मोस्टली हेड हंटिंग जो हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो LinkedIn, Indeed, रोजी और ATS सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होता है और ट्रैकिंग करते हैं एप्लीकेंट्स की। ठीक हो गया। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस टाइम जो है, यू नो द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड डिजिटलाइजेशन, तो अब उनको चाहिए कि LinkedIn, Indeed, रोजी इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल्स को इस तरह का बनाएं जिसके अंदर कीवर्डिंग यूज़ करें, कीवर्डिंग्स के थ्रू अपने जो प्रोफेशन है उसको शो करें, इवन दे आर फ्रेशर तो अपनी एजुकेशन को शो करें कि वो किस तरफ को जाना चाहते हैं, किस डोमेन में अपने करियर को प्रोस्यू करना चाहते हैं। अब जब आप आते हैं रिक्रूटर साइट पे, तो रिक्रूटर विल सर्च थ्रू टूल किट्स और एक्सरे टूल्स ATS के किस कैंडिडेट को उसको ज़रूरत है। ठीक
उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जॉब वैकेंसीज होती हैं, उसके थ्रू ही विल स्टार्ट हंटिंग, सर्चिंग करने लग जाता है. और सिर्फ वही लोग शो होते हैं उसे जो के कीवर्ड्स वो वाले यूज़ किए हुए हों जिन लोगों ने. तो आप लोग कुछ बेहतर किस्म के लिंक्डइन अकाउंट्स देखें, इंडीड अकाउंट्स देखें, रोजी के अकाउंट्स देखें, उनको समझें कि उन लोगों ने क्या क्या कुछ हिस्सा का मेंशन किया हुआ है कि लोग उनको अप्रोच करते हैं. टॉकिंग अबाउट के हाउ डू यू डिस्क्राइब अ गुड सीवी, कि एक अच्छी सीवी की क्या क्वालिटीज़ होती हैं. मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, मैं अपने व्यूवर्स को भी जो है वो दिखाऊंगा सीवी जो उनकी स्क्रीन पे शो होगी. अगर आप थोड़े से उस स्पेसिफिकेशंस के बारे में गाइड कर सकें कि वो कैसे टूल्स, कैसे वो क्या कहते हैं कीवर्ड्स जो होते हैं बेसिकली, उसको कहाँ कहाँ पुट करें, कैसे किस तरीके से पुट करें, हेडलाइंस हेडिंग्स कैसे बनानी है उन्होंने, ये तमाम तर चीज़ें और एक अच्छी सीवी जो काउंट होती है उसके बारे में काइंडली हमारे ना थोड़ा सा व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा. क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए कि वो काफ़ी मायूस हो जाते हैं जब उनको कॉल्स नहीं आती. तो ऑब्वियसली जब एक बच्चा नया फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसको आइडिया नहीं होता, ना उसमें इतनी इंटर्नशिप्स होती हैं, ना इतना कोई उसने कोई सर्टिफिकेशंस की होती हैं, ये एक अलमिया हमारे माशरे का. तो काइंडली बताइएगा कि एक सीवी, अच्छी सीवी आपके नज़दीक जो कि चार प्रोफेशनल्स होते हैं उनके नज़दीक एक अच्छी सीवी का क्या डिज़ाइन होता है और वो किस तरह से किस चीज़ को वो काउंट करते हैं. सबसे पहले तो एहसन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट जो आपने अभी भी बात की है कि कुछ एप्लीकेंट्स होते हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आता. उसके अंदर एज एन एचआर प्रोफेशनल आई हैव सीन मेनी टाइम के हमें ईमेल्स आती हैं जो कि कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया होता है लेकिन सब्जेक्ट लाइन जो होती है ईमेल के अंदर अगर आप देखें तो सीसी के नीचे बिल्कुल एक जगह होती है, पोर्शन होता है जहाँ पे सब्जेक्ट लाइन मेंशन हो, वहाँ पे आपने मेंशन करना होता है कि किस डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया है. मोस्टली कैंडिडेट वो लिखना भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम जो एचआर प्रोफेशनल होते हैं वी आर रिसीविंग अराउंड यू कैन से अराउंड 100-200 एप्लीकेंट्स पर डे. ठीक, तो उसकी वजह से हम लोगों को मुश्किल हो जाती है कि हम हर ईमेल को खोल के देखें. हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टराइजेशन करते हैं अपने कीवर्ड्स को, जिस तरह से अगर हम लोग हंट कर रहे हैं एक पीपीसी स्पेशलिस्ट को या फिर हम हंट कर रहे हैं कोई यू कैन से लारा बेल डेवलप को, तो हम लोग पहले सर्च करेंगे उसके कीवर्ड को और जहाँ से जो जो सीवी हमें वहाँ पे नज़र आएंगी हम उनको सिर्फ कंसीडर करेंगे, बाकी बीच में से रह जाते हैं. फिर उसके बाद अगर आप सीवीज की तरफ आएँ तो सीवी जो होती है एक अच्छी सीवी, वो मैंने आपको एज टोल्ड बिफोर मैंने आपको शेयर कर दिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, इंशाल्लाह मैं इफ वी टॉक अबाउट दैट, तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती हैं. अब इस सीवी के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा ऑन द टॉप राइट के लोकेशन शो है, लिंक्डइन अकाउंट शो है, उसके अलावा आपकी जो यू कैन से ईमेल है, ईमेल एड्रेस है और टेलीफोन नंबर है. ठीक है, तो लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन आप इसलिए शो करते हैं कि अगर कोई इस तरह की अचीवमेंट्स आपने ली हुई हैं लिंक्डइन के अंदर, आप अपनी फोटोज़ को अटैच करते हैं विद ऑन योर प्रोफाइल, जिससे पता चलता है वो रिक्रूटर्स को कि बंदा जो है उसको कितना काबिल है और कितना वो सही है. तो लिंक्डइन के थ्रू वो आप वहाँ से देख सकता है रिक्रूटर आपको. दूसरी जो चीज़ है टेलीफोन नंबर, मोस्टली सीवीज के अंदर मैंने ये गलतियाँ देखी हैं कि टेलीफोन नंबर या फिर गलत लिखा होता है या फिर मैंशन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट कॉन्टैक्ट द पर्सन इफ़ यू वॉन्ट टू. फिर ईमेल आईडी जो है वो भी देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली आपको अगर कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा आपसे थ्रू योर फ़ोन, थ्रू योर लिंक्डइन और सच काइंड ऑफ प्रोफाइल, तो आपको ईमेल करके भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है. फिर जो लोकेशन है, लोकेशन इज़ समथिंग जो कि कहा जाता है, अब इसके ऊपर डाइवर्स किस्म की सोचें हैं लोगों की. अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई आपने नहीं लिखनी, लोकेशन नहीं देनी, लेकिन अगर लोकेशन देंगे तो फिर रिक्रूटर को पता चलता है ही इज़ इन लाहौर, ही इज़ वेयर वी आर लोकेटेड, तो ये बंदा वो है जो कि हमें ज्वाइन कर सकता है और हमारे साथ परस्यू कर सकता है. और कुछ हिस्सा की पोजीशंस आती हैं जो कि अपर मैनेजमेंट की होती हैं जिनकी सैलरी ब्रैकेट अलग किस्म की होती हैं, तो इफ़ वी टॉक अबाउट देम तो फिर क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट हैं अगर वो बाहर के भी हैं तो उनको भी अप्रोच किया जाता है. लेकिन अगर यू टॉक अबाउट फ्रेशर्स एंड सच काइंड ऑफ इनिशियल लेवल टायर वन पोजीशंस, तो उसके बारे में अगर आप बात करें तो फिर उसके अंदर आपको आउट ऑफ सिटी के बंदों को नहीं लिया जाता. ठीक है. और शाज़िल एक कुछ ना प्रॉब्लम्स आती हैं जब यहाँ पर, पता क्या होता है, जैसे मेरे साथ मेरी फैमिली में भी मैंने देखी चीज़ कि कोई बंदा ग्रेजुएट हुआ है तो वो मास्टर्स की तरफ चले जाते हैं. ठीक है, वो उस दौरान में ना कहीं पे एक्सपीरियंस नहीं गेन करते. इसके साथ साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि वो ना जॉब्स को स्विच बहुत जल्दी करते हैं और इंडस्ट्रीज़ को भी स्विच करते हैं,
और इसके साथ साथ एक ये भी हमने एग्जांपल देखी है कि एक करियर गैप भी आ जाता है कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी ने 2006 से लेके 2010 तक जॉब की है ना, तो वो 2 साल या 1 साल फॉर इंस्टेंस वो उसने अपने बिजनेस को कोई परसू करने की कोशिश की है, वो नाकाम रह गर अनफॉर्चुनेटली, तो उसने एक मास्टर्स में इनरोल कर लिया अपने आप को, वो जो करियर गैप है और जॉब स्विच, पहले ये बताइए जॉब स्विच करना बहुत ज़्यादा कितना, क्या ये प्रॉब्लमेटिक होता है, इसके साथ साथ करियर गैप जो होता है उसको कैसे हम लोग हाईलाइट करवाएं या उसको कैसे हम लोग इरेडिकेट करें ताकि जो, या उसको कैसे हम लिखें अपने CV के अंदर कि जो हम लोग हमारे कोई नेगेटिव पॉइंट्स ना आ सकें आगे रिक्रूट होने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि आपने कहा कि जो करियर गैप है उसको किस तरह से मेंशन किया जाए। करियर गैप जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आपने प्रॉपरली वर्क किया हुआ है कहीं पे विदाउट यू कैन से फ्यूचर मैनी टाइप ऑफ स्विचेस कि आप विद इन एन ईयर दो ऑर्गेनाइजेशन में चले गए हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन में 2 ईयर्स के अंदर चले गए हैं, तो दैट इज़ समथिंग दैट हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रिक्रूटर। वो देखता है कि भाई ये बंदा जो है ही इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ही ये सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ों के पीछे भाग रहा है कहीं और, जिसके अंदर या सैलरी एक्सपेक्ट्स आ सकते हैं या फिर आ सकते हैं कि इन्वायरमेंट कल्चर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट स्विचेस करते हैं, और कुछ कैंडिडेट इस तरह के होते हैं जो कि अपने सैलरी रेस के पीछे भागते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपकी CV जो होती है वो ब्लैक मार्क हो जाती है। अच्छा, जिसकी वजह से ये है कि रिक्रूटर जो है वो यही सोचेंगे कि ये बंदा जो है ये हमारे पास नहीं टिकेगा, ये हमारे पास से चला जाएगा, वी विल अडॉप्ट हिम, वी विल ग्रूम हिम, एंड आफ्टर दैट वो वहाँ से चला जाएगा। सही शाजिल, इसके साथ साथ हमारे जब फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, जब यूनिवर्सिटी लेवल पे होते हैं, तो वो एक आई गेस इंटर्नशिप ना ऑफर करवाई जाती है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि वो जो समर वेकेशन आती हैं, ऑब्वियसली हमने देखा है कि वो काफ़ी अच्छा टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, 3-4 माह की छुट्टियाँ आई गेस होती हैं, तो क्या स्टूडेंट्स इस पर भी कन्फ्यूज़ होते हैं कि कहते हैं कि हमने तो पढ़ाई अभी 1 सेमेस्टर है, 2 सेमेस्टर पढ़े हमने, हमें इंटर्नशिप करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो ना इसी चीज़ के अंदर रहते हैं कि हमें इंटर्नशिप परसू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आपके नज़दीक क्या वो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए उनको उस तरह, बेशक उन्होंने 1 या 2 सेमेस्टर्स पढ़े हों, ऑब्वियसली जब वो 3rd ईयर में जाएंगे तो उन्होंने 1 इंटर्नशिप करनी होती है, और इसके साथ साथ क्या वो पहले उनको जो इंटर्नशिप्स होती हैं जो वो फॉर इंस्टेंस 2 सेमेस्टर के बाद जब समर ब्रेक आती है उनको, तो उसमें इंटर्नशिप्स का कितना उनको करनी चाहिए, उसके साथ साथ उसका कितना फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा जो सर्टिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि आजकल IT का बहुत बूम है और हमने देखा है कि हर इंडस्ट्रीज़ में पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इकोनॉमिकल क्राइसिस ऐसा आ गया कि बहुत हालात जो हैं हमने देखे बुरे होते जा रहे हैं, तो कुछ हमें सर्टिफिकेशंस का ही बताइएगा हमारी ऑडियंस को कि वो कौन सी सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन तरीके से और कहाँ से वो करें तो उनको सूदमंद रहेगा, और इसका इंटर्नशिप्स करने का और सर्टिफिकेशंस हासिल करने का कितना इम्पैक्ट होता है एक CV के ऊपर और एक हायरिंग प्रोसेस के अंदर। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटर्नशिप्स, सो जिस तरह से अभी आपने बात की है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होता है कि इंटर्नशिप करें और करके उसकी इंटर्नशिप रिपोर्ट्स दें, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर की दुनिया में, पाकिस्तान से बाहर अगर आप जाएँ ईस्टर्न साइड पर और US, जर्मनी इस तरह के मुल्कों को देखें, तो वहाँ की स्टडीज़ के अंदर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया जाता है, वहाँ पर इंटर्नशिप नहीं दी जाती, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया जाता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि यू हैव टू वर्क समवेयर और उनको कुछ प्रोवाइड करना होता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और उसके ऊपर आपने पूरी थीसिस टाइप प्रोजेक्ट बना के देना होता है, ठीक हो गया, जिसके अंदर प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, हर चीज़ होती है, दैट इज़ समथिंग कि आप प्रोफेशनल होके काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान में अगर आप देखें तो इंटर्नशिप्स जो हैं मोस्टली लोकल लेवल पे वो इस तरह से नहीं कराई जाती कि कैंडिडेट जो है वो किसी काबिल हो सके, ठीक हो गया। उसके अंदर मोस्टली चीज़ें क्या सिखाई जाती हैं कि फाइलिंग किस तरह से करनी है, अच्छा। इस तरह जो यूएसए कोई बच्चा कर सकता है, कोई भी बंदा कर सकता है, जिसको पढ़ा लिखा ना भी हो वो भी आके कर सकता है बंदा, तो इस तरह की चीज़ का ज़्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक नेस्ले, यूनिलीवर, वहाँ पे अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं तो वहाँ की इंटर्नशिप्स आपको सिखाती हैं कि दुनिया में किस तरह जीना है और द वर्ल्ड ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ दे टेल दैट अबाउट। सही, इसके साथ साथ देखिए ऑब्वियसली किसी बच्चे ने 4 साल किसी यूनिवर्सिटी में लगाए हैं तो इससे यूनिवर्सिटी का भी कोई ना किरदार होता है कि वो बच्चे को ग्रूम करे। उसके साथ साथ
वो बच्चे के अंदर कोई स्किल्स ऐसे डेवलप करे या उनको हेल्प आउट करे जॉब हंटिंग के लिए, या उनको बताए कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर को डिज़ाइन करना है, क्योंकि काफ़ी सारे करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट भी होते हैं। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ को क्या किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसा पहले भी डिस्कस करता था लास्ट क्वेश्चन में भी, काफ़ी ना बुरे हालात हैं इस टाइम के, बच्चों को नहीं पता कि जॉब सर्च, ऑब्वियसली हमने देखा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज़ हो रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना क्या किरदार अदा करना चाहिए अपने करियर सर्विसेज डिपार्टमेंट्स के लिए, इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करें ताकि वो इजीली प्लेस हो सकें किसी जगह पर, और इसके अलावा क्या, जिस तरह से मैं बात कर रहा था इंटर्नशिप्स के रेलिवेंट, और आपने काफ़ी इस चीज़ को अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया, तो इंटर्नशिप एक और भी क्वेश्चन आता है, मैंने अक्सर ना जब डिस्कशन कर रहा था, हालांकि क्वेश्चन इतना कोई खास नहीं है, मगर बच्चे कहते हैं कि मुझे मल्टी नेशनल में इंटर्नशिप मिले तो ही बेहतर है मेरे लिए, तो ही मेरा बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ऑब्वियसली हर इतनी मल्टी नेशनल तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर, जितनी है उन्होंने कोई जितनी ऑफर्स करनी है, अगर आप क्या कहते हैं बहुत ऑब्वियसली आपके पास इंटर्नशिप्स लिखी होंगी पहले, तो ही वो आपको मल्टी नेशनल पर अप्रोच करेगी ना, या आपके पास सर्टिफिकेशन होंगी, कोई अचीवमेंट्स आपके पास होंगी, ऐसे तो ना उठा के कि वो आपको हायर कर लेंगी इंटर्नशिप्स के लिए। तो ये जो कंसेप्ट है कि हमने लोकल मार्केट में जॉब नहीं करनी, हमें मल्टी नेशनल्स को ही टारगेट करना, ये कितना बुरा है हमारे जेहन के लिए या हमारे बच्चों के लिए, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अच्छा, मैं इस चीज़ के ऊपर एक बात करना चाहूँगा कि मल्टी नेशनल्स जो हैं, मैंने सिर्फ इंटर्नशिप के लिए ही कहा है कि मल्टी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अच्छा करवाती हैं ये, लेकिन वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी कर रही होती हैं ये चीज़ें। जैसे आईटी फील्ड है, आईटी फील्ड के अंदर आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलमोस्ट ये चीज़ें आप सीख लोगे, अपने इंटर्नशिप के अंदर भी आप सीख जाओगे कि क्या क्या कुछ करना है, किस तरह से बिहेव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सीख जाओगे। लेकिन अगर आप बात करोगे इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो वहाँ पे एक अलग सिस्टम होता है, वहाँ पे आप मल्टी नेशनल को चाहिए आपको कि उनको हंट करें। लेकिन अगर आपसे नहीं होती तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, आप कहीं और भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं और वहाँ की अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपको कम से कम ये पता चलेगा कि प्रोफेशनल लाइफ का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कल्चर किस तरह के होते हैं जी। ये चीज़ कुछ ना होने से कुछ तो बेहतर है ना, बिल्कुल ऐसा है, मार्केट का तो पता लग रहा है ना आपको, आप कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि मल्टी नेशनल, मैं भी इस चीज़ को समझता हूँ कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आएंगे इंटर्नशिप के बाद जी, तो आई वुड प्रेफर कि आप किसी इस तरह की इंडस्ट्री को ज्वाइन करें जो कि डेवलपमेंट साइड को, जो अभी डेवलपिंग हो रही हो, क्योंकि डेवलपिंग साइड पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं हमेशा, ठीक हो गया, इससे कि एक डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वहाँ पॉलिसीज बन चुकी होती हैं, उसको बाद एग्जीक्यूशन हो रही होती है, बाद ऑपरेशन चल रहे होते हैं, ऑब्वियसली एक प्रोजेक्ट जब क्लोज हो जाता है तो ऑपरेशन रन होते हैं उसके। और उसके अलावा ये है कि जो आपको ऑफर्स मिलती हैं मल्टी नेशनल से, उससे बेहतर भी मिल सकती हैं आपको ऑफर्स इन यू कैन से लोकल फर्म्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया शाज़िल, आईटी इंडस्ट्री की बात करूँ, आप जिस तरह से बिलोंग करते हैं आईटी इंडस्ट्री से, इसने पाकिस्तान में बूम आईटी का ही है, और क्योंकि यहाँ पे होता है वर्क फ्रॉम होम, बच्चे कर रहे होते हैं रिमोट जगहों से भी, काफ़ी इजीली वो अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं अपने जॉब वर्क वर्कलोड को। मैं एक मैनेजर का मैनेजमेंट लेवल का स्टूडेंट है, फॉर इंस्टेंस एचआर प्रोफेशनल है या सेल्स में है, मार्केटिंग में है, सप्लाई चेन में, वो बच्चा जो है वो अपने आप को किन आईटी कोर्सेज के साथ, अगर आप बता सकें कि एनरोल करे जो कि उसकी मैनेजेरियल साइड्स में उसको प्रोग्रेस करेगी उसको फर्दर मोर इन फ्यूचर, कुछ कोर्सेज आपके नज़र में क्या समझते हैं आपके बेहतर हैं उन स्टूडेंट्स के जो कि मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स बनना चाह रहे हैं आईटी के स्पेसिफिकली? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि एसन, सबसे पहले तो ये है कि अपनी जॉब हंट जब आप कर रहे हो तो अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड करें प्रॉपरली। उसके बाद ये है कि सर्टिफिकेशंस की तरफ अगर आप आएँ, तो ये सिर्फ मैं आईटी के लिए बात नहीं कर रहा, ये हर प्रोफेशनल बंदे के लिए बात कर रहा हूँ जो कि जॉब ढूंढ रहा है या फिर जॉब की साइट को जाना चाहता है। ठीक हो गया, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर ग्रिप ज़रूर करे। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। उसके अंदर आप जो है PPTs, उसके अलावा एक्सेल, वर्ड, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ग्रिप करें ताकि आपको सबसे ज़्यादा आगे जाके आसानियाँ पैदा हों, वरना आप जाते साथ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस तरह की चीज़ों पर।
फिर उसके बाद अगर आप आईटी फील्ड की बात करते हैं तो दैट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर डोमेन। आप जिस डोमेन में हैं उसके मुताबिक आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं जो कि सर्टिफिकेशंस करवाते हैं, और इसके अलावा आपको लर्निंग भी करवाते हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं वहाँ पर, तो वो आपको ईजिली असेसमेंट मिल जाती है उन चीज़ों से। ठीक हो गया। और आप कोई लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल किसी किस्म की सजेशन, क्योंकि आजकल आपको जैसा मैंने डिस्कस किया था कि काफ़ी बुरी कैफियत है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली भी, बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं जब उनको जॉब्स नहीं मिलती, उन यंग स्टूडेंट्स के लिए और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए भी आप कोई पैगाम देना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म से ताकि वो थोड़ा सा उनके जो मोराल जो डाउन होता है वो बूम हो सके? वेल दिस इज़ ऑलवेज माई सेइंग कि यू ओनली लूज व्हेन यू गिव अप। ठीक हो गया। वरना आप कभी हारते नहीं हो, आप हमेशा सीख रहे होते ज़िंदगी में। अब अगर आप इसके बारे में बात करो तो सबसे पहले हार नहीं माननी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से अभी अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि अब वक्त चेंज हो गया है, अब वैकेंसीज़ कम हैं, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा हैं। आई एम ऑल्सो फेसिंग इट कि एप्लीकेंट जितने ज़्यादा होते हैं उससे शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, करते करते आहिस्ता आहिस्ता 10 रह जाते हैं, दिन में से 10 की इंटरव्यूज़ रखे जाते हैं, इंटरव्यूज़ के अंदर से एक बंदा सिलेक्ट होना होता है एक पोजीशन के लिए। ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जो 10 सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं जिन्होंने कीवर्ड सही से रखे हैं, अपनी प्रोफाइल्स की बिल्डिंग की है, और बीच में से उन 10 में से 3 वो होंगे कम से कम जिनको मैंने हेड हंट किया है थ्रू लिंक्डइन प्रोफाइल, रोजी या इंडीड के थ्रू मैंने हेड हंट किया है जिनको एक्सरेज टूल्स यूज़ करके। तो वो उस तरह की प्रोफाइल्स बनाएं जिससे पता चले कि आप कौन हैं और दुनिया को पता हो कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अपने कीवर्ड्स को ढूंढें जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हो, उनको आप जब लगाएंगे अपनी प्रोफाइल्स पे, अपनी सीवी पे, तो अट्रैक्ट करेंगी वो रिक्रूटर को, और रिक्रूटर जानेगा कि ये बंदा वो है जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। सही हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट है ये बंदा, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा, फिर उसके बाद वो आपकी तरफ आएगा। बाकी ये है कि आप कीप ऑन लुकिंग फॉर द जॉब, मिल जाती हैं, टाइम लगता है, लेकिन ये है हार नहीं माननी। हार नहीं माननी। शाज़िर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान को अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन ये यहाँ तक था पॉडकास्ट आज हमारी एपिसोड 2। आपने जाना कि एक सीवी किस तरह से डेवलप करनी चाहिए, रेज्यूमे और सीवी में भी डिफरेंस जाना। इसके साथ साथ मेरी भी ये सजेशन है आपको कि अगर आप लोग अगर तो पढ़ रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट अभी आप नहीं हुए, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो काइंडली अपने जो 3 महीने की छुट्टियाँ होती हैं या आपको जो 1.5 माह की छुट्टियाँ आप कह लें आपको सर्दियों की होती हैं या गर्मियों की छुट्टियाँ 3 माह की होती हैं, उसको ज़ाया मत करें। ये मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस भी है। कहीं ना कहीं पे भी आपको जो इंटर्नशिप मिल रही हो आप ज़रूर वहाँ पर करें, चाहे वो 2 हफ्ते की ही हो, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगी। ज़रूरी नहीं है, जैसा शाज़िर साहब ने भी डिस्क्राइब किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको मल्टीनेशनल में ही इंटर्नशिप मिले, आप लोकल मार्केट में भी करें, आपको लोकल मार्केट का भी पता लगेगा। उसके साथ साथ आप जब आप रन करेंगे अपनी लाइफ में और करियर की तरफ प्रोग्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो मल्टीनेशनल का ही फेज़ मिलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी पीछे से जो बेस है वो स्ट्रांग हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इंटर्नशिप ज़रूर करें। और अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर पाते किसी वजह से तो सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि और आईटी से रेलेवेंट सर्टिफिकेशन ज़रूर करें, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि बहुत से नए स्किल्स जो हैं वो आ गए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, उसके साथ साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, बहुत से नए स्किल्स जो हैं वो आ गए। अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक का था। अगले प्रोग्राम अगले एपिसोड तक के लिए मुझे मोहम्मद अहसन खान वर्दक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।